हेलो दोस्तों, आज मैं स्पूकी इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक अमेरिकन हॉरर मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं ब्रेंडन और थॉमस। तो चलिए चलते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक 13 साल के लड़के को दिखाया जाता है। उस लड़के का नाम होता है बिली। इसका आज जन्मदिन था, इसलिए वो अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए आधी रात को अपने घर से भागकर जंगल में चला जाता है। वो अपने बैग से केक और कैंडल निकाल ही रहा होता है, तभी वहां उसे सामने एक आदमी दिखाई देता है जो बिली से पूछता है कि तुम इतनी रात को इस सुनसान जंगल में क्या करने आए हो। बिली उससे कहता है, मेरा आज जन्मदिन है, मैं 13 साल का हो गया हूँ। मेरे माँ बाप मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करना भूल गए हैं, इसलिए मैं खुद अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आया हूँ। फिर वो आदमी बिली से कहता है कि तुम्हें इतनी रात को इस जंगल में नहीं आना चाहिए था, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। वो आदमी उसे घर को जाने के लिए कहता है, लेकिन बिली घर जाने से मना कर देता है। इसके बाद बिली यहाँ से कहीं और जाने लगता है, तभी उस आदमी के ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। इधर बिली अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए एक हवेली के अंदर चला जाता है। वो यहाँ एक कमरे में जाता है जहाँ उसे कमरा पूरी तरह से सजा हुआ दिखाई देता है। उस कमरे में बर्थडे केक और खिलौने भी रखे हुए होते हैं। बिली को लगता है शायद ये पार्टी उसके मॉम डैड ने उसे सरप्राइज दी है। बिली ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपने मॉम डैड को आवाज देने लगता है। फिर बिली वहाँ रखे एक गिफ्ट को खोलकर देखने लगता है। वो जैसे ही उस गिफ्ट को खोलता है तो उसे गिफ्ट के अंदर एक आदमी का सर कटा हुआ दिखाई देता है। वो आदमी उसे बर्थडे विश करता है। बिली उसे देखकर वहाँ से डरकर वापस जंगल में भाग जाता है। बिली को भागता हुआ देखकर वो ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाता है जिसने जंगल में उस आदमी को मारा था। बिली को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बिली अपनी जान बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी से बचकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी बिली को पकड़कर बुरी तरह जान से मार देता है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी बिली को एक गड्ढे में डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है। फिर अगले सीन में हम कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं जो घूमने के लिए उसी पुरानी हवेली में आए थे, जिनमें से उनके नाम ड्यूक, कैरल, पीटर, एडम, रिच और मैगन होते हैं। ये सभी दोस्त मौज मस्ती करने के लिए यहाँ घूमने आए थे। अब ये लोग उस हवेली के बाहर उन कब्रों को देखने लगते हैं जो देखने में काफी पुरानी सी लग रही थी, जिन्हें देखकर ये डर जाते हैं। ड्यूक अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर उस हवेली में जाने लगता है, लेकिन उनमें से उसके कुछ दोस्त उस हवेली के अंदर जाने से मना कर देते हैं। फिर ड्यूक उन सबको समझाने की कोशिश करता है और कहता है, हमें इस हवेली में कोई भी खतरा नहीं है। सब लोग उसकी बातों पर यकीन करके अंदर जाने लगते हैं। इनमें से कुछ दोस्तों का प्लान रात भर इसी हवेली में रुकने का था। तभी हमें पता चलता है कि इस हवेली के अंदर एक तांत्रिक भी रहता है जिसका नाम कियोन होता है। उस तांत्रिक ने अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी को 70 सालों से एक लकड़ी के ताबूत में बंद करके रखा था, क्योंकि कियोन अपनी गर्लफ्रेंड को दोबारा से जिंदा करना चाहता था। कियोन की गर्लफ्रेंड का नाम इजाबेल होता है, इसलिए जो कोई भी इस हवेली में घूमने के लिए आता है वो उसे जान से मारकर उसकी बलि चढ़ा देता है। तभी पता चलता है कि इस हवेली के बाहर जो कब्रें हमने देखी थी वो उन सभी लोगों की थी जो यहाँ घूमने के लिए आए थे। कियोन ये सब शैतानी आत्माओं को खुश करने के लिए करता है ताकि इसकी गर्लफ्रेंड दोबारा से जिंदा हो जाए। आज तक उस हवेली में से कोई भी व्यक्ति जिंदा बचकर वापस घर नहीं गया। फिर हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी भी उस तांत्रिक के पास ही बैठा था जिसने उस 13 साल के मासूम लड़के बिली को जान से मारा था। ये ज़ॉम्बी इस तांत्रिक का ही चेला है। अगले सीन में हम ड्यूक को देखते हैं जो एक कमरे के लॉक को तोड़ रहा था। उसे उस कमरे के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। वो उस कमरे का लॉक तोड़कर उसमें देखने लगता है, लेकिन उसे उस कमरे में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उस कमरे में से कंकाल निकलकर उसके ऊपर गिर जाता है, जिसे देखकर ये सब लोग बहुत डर जाते हैं। उस कंकाल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसा कि किसी आदमी को जिंदा बंद करके कई सालों तक इसी कमरे में रखा गया हो। उस कंकाल के पास इन्हें एक बोर्ड दिखाई देता है जिसे ये उठाकर देखने लगते हैं। उस बोर्ड को देखकर ऐसा लग रहा था जैसा कि वो तांत्रिक उस बोर्ड से तंत्र मंत्र करता हो, क्योंकि उस बोर्ड पर शैतानी भाषाओं में कुछ मंत्र लिखे हुए थे। ये सब लोग उस भाषा को समझ नहीं पाते और उस बोर्ड से मौज मस्ती करने लगते हैं। तभी इनकी टीम की एक मेंबर केरल पर उन बुरी आत्माओं का असर हो रहा था। वो उन्हें कहती है कि कोई भी व्यक्ति जिंदा बचकर वापस घर नहीं जाएगा। वो उन सबको ये भी बताती है कि आत्माओं ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है, जो भी कोई यहाँ से भागने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। केरल की बातें सुनकर सब लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं और कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। जब सब लोग यहाँ से जाने की कोशिश करने लगते हैं तो वो देखते हैं कि केरल एक ज़ॉम्बी बन रही है। ये देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं। केरल अब इन सबको मारने की कोशिश करने लगती है। केरल के इस अजीब व्यवहार को देखकर ये सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं। केरल का बॉयफ्रेंड लुइस अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगता है। वो भागते भागते गिर जाता है। वहाँ उसे उसके नाम की एक कब्र दिखाई देती है जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। उधर पीटर अपनी कार की चाबी जल्दबाजी में ही उस
हवेली में भूल आया था। इधर लुईस कब्र पर अपना नाम देखकर डर जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी अचानक से उसे कोई ज़ॉम्बी नीचे की तरफ खींचकर जान से मार देता है। उसे जमीन में अंदर की तरफ जाता हुआ देखकर उसके दोस्त डर जाते हैं और वापस उसी हवेली में भाग जाते हैं। अब ड्यूक यहां से वापस घर जाने लगता है। वो अपने दोस्तों से भी घर चलने के लिए कहता है, लेकिन उसके दोस्त उसे बाहर जाने से मना करते हैं। जब ड्यूक बाहर जाकर दरवाजा खोलकर देखता है तो उसे बाहर कुछ ज़ॉम्बी उसकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। वो ज़ॉम्बी देखने में काफी खतरनाक और घिनौने लग रहे थे। उन ज़ॉम्बियों को अपनी तरफ आता देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं और वापस अंदर जाकर गेट बंद कर लेते हैं। अब ये सभी लोग तीन अलग अलग भागों में बैठकर सोने के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में हम डेविड को देखते हैं जो शराब पीकर सो रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड जॉन एलन उसे जगाने की कोशिश करती है। वो देखती है डेविड का चेहरा किसी क्रिएचर ने खाया था जो अब मर चुका है। ये देखकर वो काफी डर जाती है। तभी वो क्रिएचर बाहर निकलकर आ जाता है जिसने डेविड को मारा था। वो क्रिएचर एलियन को जान से मारने के लिए उसकी गर्दन पर काट लेता है। एलियन उस क्रिएचर से बचने के लिए एक लोहे की रोड को उसकी गर्दन पर घोंसकर वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। तभी क्रिएचर एलियन पर दोबारा से हमला करता है, लेकिन एलियन उस क्रिएचर से बचने के लिए उसके ऊपर एक लकड़ी की टेबल गिराकर उसके ऊपर बैठ जाती है जिससे वो क्रिएचर वहीं दबकर मर जाता है। दूसरी तरफ हम पीटर को देखते हैं। उसे नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड और एडम के साथ उस हवेली में घूम रहा था। तभी एडम की टांग कोई पकड़ लेता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसका दोस्त पीटर उसे बचाने के लिए उसकी हेल्प करता है। वो देखता है कि उसकी टांग किसी ने नहीं पकड़ी बल्कि वो बिजली के तार से टकराकर गिर गया है। उधर हम ड्यूक और उसकी गर्लफ्रेंड लीजा को देखते हैं जो जमीन पर लेटी हुई थी। तभी अचानक से जमीन को फाड़कर कुछ ज़ॉम्बी बाहर निकलते हैं। वो ज़ॉम्बी उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ लेते हैं। ड्यूक लीजा को बचाने के लिए उन ज़ॉम्बियों पर हमला कर देता है। फिर ड्यूक एक ज़ॉम्बी को धकेल देता है। वो ज़ॉम्बी नीचे पड़ी शराब पर गिर जाता है और शराब से जलकर मर जाता है। ड्यूक देखता है वो ज़ॉम्बी शराब से जलकर मर रहे हैं, इसलिए वो लीजा से शराब के बैरल तोड़ने के लिए कहता है। लीजा शराब के सारे बैरल तोड़ देती है और वो सभी ज़ॉम्बी उसी शराब में जलकर मर जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें एडम को दिखाया जाता है जो रास्ता भटक गया था। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो उसे बाहर निकालने के बहाने अपने साथ एक सुरंग में ले जाती है। तभी वो लड़की एक ज़ॉम्बी बन जाती है जो एडम को एक मकड़ी के जाल में जकड़ लेती है। एडम उस लेडी ज़ॉम्बी को देखकर बहुत डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हम देखते हैं वो लेडी ज़ॉम्बी देखते देखते एक स्पाइडर ज़ॉम्बी बन जाती है जो एडम की पूरी बॉडी से खून को चूस कर उसे जान से मार देती है। फिर अगले सीन में हम कैरल को देखते हैं जो पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसने अपने तीन दोस्तों को एक कमरे में कैद कर लिया था और उन्हें मारने के लिए उन पर तंत्र मंत्र कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि कैरल की खोपड़ी बीच में से फट जाती है और बहुत तेजी के साथ कंपन होने लगता है जिस वजह से ये लोग नीचे गिर जाते हैं। और पीटर वहां से उठकर एक कंकाल के पास जाता है। वो उस कंकाल के हाथ से एक बोतल को छीनकर कैरल के ऊपर फेंक देता है जिस वजह से वहां एक विस्फोट होता है और सभी लोग मारे जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उस तांत्रिक को देखते हैं जो शादी करने के लिए उस लड़की को मना रहा था। इस लड़की का नाम इजाबेल होता है, लेकिन वो लड़की उसे बार बार शादी करने के लिए मना कर देती है और यहां से भाग जाती है। वो ज़ॉम्बी उस लड़की को देखने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। इजाबेल यहां से भागकर एक गुफा में चली जाती है जहां उसे गुफा के अंदर एक सफेद बालों वाली चुड़ैल दिखाई देती है, जिसके डर से इजाबेल यहां से भागकर वापस उस तांत्रिक को मारने के लिए उसके पास चली जाती है और अपने हाथ में एक नुकीली कील उठा लेती है। अब इजाबेल उस तांत्रिक के पास जाकर उस नुकीली कील को उसके बीच माथे में मारकर यहां से भाग जाती है जिससे वो तांत्रिक वहीं पर मर जाता है। इजाबेल यहां से भागकर उस हवेली के बाहर निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी इजाबेल के पीछे पड़ जाते हैं और उसे मारना चाहते हैं। दरअसल ये ज़ॉम्बी वही टूरिस्ट हैं जो यहां घूमने के लिए आए थे जिनको उस तांत्रिक ने मारा था जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुके हैं। इजाबेल किसी तरह उन ज़ॉम्बियों से बचकर वहां खड़ी एक कार में जाकर बैठ जाती है। तभी एक लड़का वहां आकर उस कार को स्टार्ट करके यहां से ले जाता है। इजाबेल उस लड़के को थैंक्स बोलती है और कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है। फिर वो लड़का इजाबेल से कहता है कि मैं तुम्हें यहां बचाने नहीं बल्कि मारने आया हूं। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का एक ज़ॉम्बी बन जाता है और ये वही ज़ॉम्बी है जो उस तांत्रिक का चेला था। उसे देखकर इजाबेल चिल्लाने लगती है। वो ज़ॉम्बी इजाबेल को पकड़कर जान से मार देता है। फिर उधर हम उस तांत्रिक को देखते हैं जो जिंदा होकर वापस आ गया था और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक से और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाली घंटी को भी जोर दबा लेना जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।